हेलो एवरीवन, दिस इज सरिता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आर यूपीएससी अड्डा 247। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर के साथ आज आपके साथ हैं हम। जीएसटी कलेक्शंस में राइज हुआ है। अक्टूबर मंथ में जो है 1.30 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हुआ है हमारी कंट्री में, और ये सेकेंड हाईएस्ट है फ्रेंड्स जब से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी हमारी कंट्री में 2017 में, और बहुत ही अच्छी खबर है हमारी कंट्री के लिए कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो ज्यादा हुई है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की आउट ऑफ फंड चल रही है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था आपसे कि एमजी नरेगा जो स्कीम है उसमें फंड्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए रिवेन्यू की जरूरत बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। और इसी वजह से जो है ये एक अच्छे टाइम पे अच्छी खबर जो है गवर्नमेंट को मिली है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे आज कि जीएसटी कलेक्शन जो है, व्हाई जीएसटी कलेक्शन हैज सर्ज, क्यों जीएसटी कलेक्शन जो है वो बड़ा है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो आपको फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं उनकी हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो करंट मंथ का डाटा है वो दे रखा है ब्लू कलर के ग्राफ से, और जो प्रीवियस पीरियड का डाटा है, पास्ट पीरियड का डाटा है, वो दे रखा है आपको ऑरेंज कलर से। तो आप देख सकते हैं जनवरी से अक्टूबर तक का डाटा ये हमारे पास, और इसमें जो है सबसे ज्यादा सर्ज आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट डाटा में, करंट मंथ के डाटा में, अक्टूबर मंथ में। तो ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो, और इसके कंपेरिजन में, ऑरेंज कलर के ग्राफ के कंपेरिजन में जो है ब्लू कलर का ग्राफ जो है वो अक्टूबर मंथ का सबसे ज्यादा हाई है। और इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे रिवेन्यू जो है वो सर्च कर रहा है। थोड़ी सी और डिटेल जो आपको बता दूं मैं इसके बारे में, जीएसटी कलेक्शन के बारे में, अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 से, तो मतलब 2020 के अक्टूबर मंथ से, तो लास्ट ईयर का जो अक्टूबर मंथ था और इस ईयर का जो 2021 का अक्टूबर मंथ है, उनमें दोनों में 24% हायर रहा है इस बार का जीएसटी कलेक्शन। मतलब पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में 24% ज्यादा रिवेन्यू हमें मिला है। और 2019 और 2020 टोटल फाइनेंशियल ईयर की बात करें अगर हम पिछले की, तो 36% ज्यादा रिवेन्यू जो है हमें गवर्नमेंट को जनरेट करने में यहाँ पे मतलब कामयाबी हासिल हुई है। तो इतना रिवेन्यू जो है हमने कलेक्ट कर लिया है, तो सेकंड हाईएस्ट है फ्रेंड जी, मतलब जब से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और इसके कारण हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बहुत बढ़िया हो रही है। अब दोबारा से हमारी इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आ रही है, दोबारा से इकोनॉमी जो है रिकवरी कर रही है। तो इकोनॉमी अगर रिकवरी करेगी फ्रेंड्स, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से रिवेन्यू भी बढ़िया ही जनरेट होगा। तो रिवेन्यू बढ़िया जनरेट होगा, टैक्स ज्यादा आएगा, तो गवर्नमेंट को भी अलग अलग स्कीम्स चलाने के लिए जो है फंड्स की कमी नहीं आएगी, और ये हमारा फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। और एक तरीके से लिक्विड पॉलिसी चलाने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया, ये एक तरीके से बेनिफिट है गवर्नमेंट को। और अब बेनिफिट को गवर्नमेंट को बेनिफिट है तो मतलब इसका मतलब किसको बेनिफिट है, तो हमें पॉपुलेशन को बेनिफिट है इसका। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ईवे बिल्स का भी जो जनरेटेड मतलब जो ईवे बिल की जनरेशन है जो, वो भी जो है ज्यादा बढ़ गई है पिछले मंथ में, अक्टूबर मंथ में। तो ये ईवे बिल की जनरेशन क्या होती है फ्रेंड, जीएसटी में ना जब भी आप मतलब जीएसटी जो है वो मतलब यहाँ पे फाइल होता है, तो जब भी आप जो है सप्लाई चेन में, जो भी आपकी पोजीशन है, जिस भी पोजीशन पे आप आते हो सप्लाई चेन में, तो आपको एक ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है जीएसटी के लिए। तो ये जो है ई वे बिल की जनरेशन जो है पिछले मंथ में वो बढ़ गई है आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। सेकेंड वेव के बाद जो है ई वे बिल की जनरेशन बढ़ गई है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी दोबारा से पटरी पे आ रही है। और एक और फैक्टर है यहाँ फ्रेंड, अभी जो है ना, अभी और भी मतलब जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ सकती है आने वाले मंथ्स में, क्योंकि हमारी जो मतलब पता है आपको फेस्टिव सीजन चल रहा है, और इस टाइम पे एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड वगैरह की तरफ से बहुत ज्यादा होता है। जो लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे कार्स वगैरह, एसी, फ्रिज वगैरह, इन चीजों पे ज्यादा खर्च इस टाइम पे किया जाता है। और अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शंस ना हो, सेमीकंडक्टर्स की मतलब उसमें डिसरप्शंस ना हो सप्लाई चेन में, तो कार वगैरह की सप्लाई वगैरह हमारी कंट्री में जो है बढ़िया चलेगी। और इस वजह से भी अगर कंज्यूमर जिनको और ज्यादा खरीदते हैं, और ज्यादा मतलब बढ़िया पैसा पैसे को खर्च करते हैं इकोनॉमी में, तो बहुत बढ़िया ही ये हमारी टैक्स कलेक्शन के लिए अच्छी खबर होगी, और अच्छा टैक्स कलेक्शन हमें अगले मंथ में भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि ईवे बिल्स और जो टैक्सेबल वैल्यू है, वो अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू वो इंक्रीज हो रहा है हैंड इन हैंड। जैसे जैसे ईवे बिल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है टैक्सेबल वैल्यू भी वो जो है इंक्रीज हो रही है। ये जनवरी से सितंबर तक का डाटा है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे ईवे बिल इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है हमारी टैक्सेबल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं कि रिवेन्यू जो है वो कैसे इंक्रीज हुआ है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है,
दोबारा से पटरी पे आ रही है, और जो ई वे बिल्स हैं वो भी ज्यादा जनरेट हुए हैं, इस वजह से रिवेन्यू में हाइक हुई है। सेकंड जो है यहाँ पे देख लेते हैं, एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, की स्टेट और जो सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जीएसटी की, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करी गई है। कस्टमर्स की कंप्लायंस का ध्यान रखा गया है कि उनको जो है कोई हर्डल ना हो और कोई परेशानी ना हो जीएसटी को, जो रिटर्न है उनको फाइल करने में, जीएसटी को भरने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और इंडिविजुअल टैक्स इवेडर्स के खिलाफ भी, मतलब अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो उसके खिलाफ भी एक बहुत ही मतलब यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे स्टैंड लिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि यहाँ पे उनसे भी हम जो है अब अपने जो मतलब टैक्स इन्वेजन को जो है बचा सकते हैं। और यहाँ पे चार्ट ये शो करता है फ्रेंड्स कि कैसे ट्रेंड इन रिटर्न फाइलिंग, ट्रेंड इन रिटर्न फाइलिंग देखिए 85% तक जो है यहाँ पे सर्च कर रहा है, ये जनवरी से सितंबर तक का डाटा आपको दिखा रहे हैं, 85% तक यहाँ पे सर्च कर रहा है हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का ट्रेंड है, कि इतना रिटर्न फाइलिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न फाइलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कैसे जो है हमारी कंट्री में रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिटर्न्स फाइल होंगे इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं उतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को आ रहा है, तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे जीएसटी जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम जीएसटी के बारे में थोड़ी सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स ये। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, दो तरीके के, जैसे आपको वैसे टैक्स तो कई तरीके के होते हैं पर अगर आपको बताऊं मैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क ये होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पे टैक्स लगाया गया है वही टैक्स को भरेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि ये लगाया किसी पे जाता है पर भरता इसको कस्टमर है, मतलब भरता इसको कोई और है और लगाया किसी और पे जाता है, तो इसका जो मतलब बर्डन है वो शिफ्टिंग बर्डन है इसका, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो है बर्डन वो शिफ्टिंग बर्डन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स का मतलब पता है आपको कि कंज्यूमर गुड्स पे लगता है ये, सप्लाई चेन पे लगता है सारी की सारी पे, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में सप्लाई होती हैं उन सबकी सप्लाई चेन पे ये टैक्स है। और कब से ये इफेक्टिव है, 2017 से हमारी कंट्री में इफेक्टिव है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी की गई थी इसके लिए, 101st अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए की गई थी, और ये 101st अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई थी जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। आने वाले टाइम में भी फ्रेंड्स यही उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी कलेक्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी मे बी, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है वो चल रहा है और इस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब लोग कंजम्पशन की तरफ जो है वो ज्यादा जाते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं लोग, और आने वाले टाइम में भी मतलब अगर ये कंप्लायंस जो है जीएसटी स्टेट और टैक्स सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों बढ़िया तरीके से कंप्लायंट तरीके से जो है काम करते रहे और बढ़िया इंप्लीमेंटेशन जो है वो होती रही जीएसटी की, तो एक अच्छा रिवेन्यू जो है हमारी गवर्नमेंट यहाँ से जनरेट कर सकती है। तो उम्मीद तो अच्छी की जा रही है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।